तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये चल रहा है रासायनिक वल्गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक है हमारा क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं मींस ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया वेग प्रथम घात युक्त सांद्रण पद के समानुपाती होता है। प्रथम घात युक्त सांद्रण पद मतलब है कि जो अभिकारक सांद्रण पद है उसकी घात क्या लगी होगी, एक। तो दर समीकरण में अगर अभिक्रिया वेग एक घात युक्त अभिकारक सांद्रण पद के समानुपाती दिख रहा है तो ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया वेग केवल एक अभिकारक पर निर्भर करता है। ओके, तो इस तरह से दर समीकरण हम लिखेंगे, अभिक्रिया वेग समानुपाती अभिकारक सांद्रण पद और उसकी पावर लगा दी 1। मीन्स आर समानुपाती आर, तो आर इक्वल टू के इंटू आर, जहां के है प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक। और इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अगर अभिकारक सांद्रण, ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया है कि अभिकारक सांद्रण 2 गुना कर दें तो जो नया अभिक्रिया वेग है वो प्रथम अभिक्रिया वेग का 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना कर दें तो 3 गुना हो जाएगा। मतलब अगर हम यहां पर वेग लें और यहां पर अभिकारक सांद्रण पद लें तो ये जो थीटा आएगा वो 45 डिग्री का, मींस जितना अभिकारक बढ़ाओगे उसी अनुपात में वेग बढ़ेगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। ओके, जैसे उदाहरण से समझते हैं, एथिल एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन। अब यहां पर एथिल एसीटेट जो है जल में घोला जाता है ना, लेकिन जल आधिक्य में होता है। तो जब रासायनिक क्रिया होती है तो एथिल एसीटेट की सांद्रता जब घटती है तो अभिक्रिया वेग में परिवर्तन तो दिखाई देता है, लेकिन H2O की सांद्रता ये घटेगी। मीन्स जल रासायनिक क्रिया करता है लेकिन वेग में कोई मापनीय परिवर्तन नहीं होता, मतलब अभिकारक H2O जो है इस अभिकारक की सांद्रता में मापनीय परिवर्तन नहीं दिखता। ऐसे में अभिक्रिया वेग जो है वो केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर करता है, और इस तरह से एथिल एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होता है। लेकिन अगर हम यहां देखें तो यहां पर आणविकता तो 2 है क्योंकि 2 अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं, लेकिन कोटि 1 है यहां पर, इसलिए ये एक आभासी एक अणुक अभिक्रिया होती है। ठीक है, ठीक इसी तरह से शर्करा का प्रतिलोम। तो शर्करा जो होती है चीनी C12H22O11, शर्करा दक्षिण ध्रुवण घूमना होती है, पॉजिटिव होता है इसका रोटेशन एंगल 64.5 डिग्री का। जल में घोल दिया जाए और एसिड डाल दिया जाए तो फिर शर्करा जल अपघटित होती है और बनाती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है और फ्रक्टोज वाम ध्रुवण घूर्णक होता है, क्योंकि वाम ध्रुवण घूर्णक का विशिष्ट घूर्णन कोण जो फ्रक्टोज है वो ज्यादा होता है -92 डिग्री, जबकि ग्लूकोज का है 52.5 डिग्री प्लस में। इसीलिए पूरा सॉल्यूशन वाम ध्रुवण घूर्णक हो जाता है और इसीलिए इसको बोला गया है प्रतिलोमन, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक से वाम ध्रुवण घूर्णक में बदलना प्रतिलोमन कहलाता है। और ये जो शर्करा बनी है प्रतिलोमन शर्करा या प्रतिलोमित शर्करा। तो यहां पर भी जल अपघटन में जो जल लग रहा है इसकी सांद्रता इतनी ज्यादा होती है H2O की कि 2-4 अणु अगर जल अपघटन में भाग ले भी रहे हैं तो H2O की सांद्रता में कोई मापनीय परिवर्तन नहीं दिखता। ऐसे में जो अभिक्रिया वेग है केवल आर जो है वो केवल किस पर निर्भर हो जाता है, C12H22O11, और इसलिए यहां पर जो ऑर्डर है वो 1 हो जाती है, मतलब शर्करा के प्रतिलोमन की जो कोटि है वो 1 होती है। तो इस तरह से ये भी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और इसकी भी आणविकता 2 है तो ये भी एक आभासी एक अणु अभिक्रिया में आती है। इसके अलावा और भी देखो, H2O2 का विघटन है, N2O5 का विघटन है, Cl2O7 का विघटन है ना, NH4NO2 का विघटन है, NH4NO3 का विघटन है, ये सब प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं।
जैसे H2O2 दो पद में चलती है, इसका प्रथम पद वेग निर्धारक होता है, इसीलिए इसकी आणविकता और कोटि बिल्कुल बराबर होती है। ठीक N2O5 का विघटन भी कई पदों में चलता है, तो इसमें भी वेग निर्धारक पद में केवल N2O5 दिखता है, इसलिए ये प्रथम कोटि की है, ये सब प्रथम कोटि की। इसके अलावा और आप देखोगे कि प्रथम कोटि में SN1 रिएक्शन जो सब्स्टिट्यूशन है ना, इसके अलावा एक विलोपन में चले जाए, ये सब्स्टिट्यूशन विलोपन में है E1, ठीक है। इसके अलावा E1CV, रेडियो एक्टिव विघटन, समझ गया बच्चों, ये सब किस में आते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। रेडियो एक्टिव विघटन आप देखोगे केवल रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा पर निर्भर होता है, ताप ताप और अगर किसी से कोई मतलब नहीं है। SN1 में देखोगे केवल जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उससे कार्बोकैटायन बनता है, तो केवल रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है रेट, ऐसे E1 में भी यही होता है। तो इस तरह से आप देखोगे ये सब प्रथम कोटि में आते हैं। अब आते हैं प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का व्यंजक, कि वेग स्थिरांक कैसे निकाला जाए, तो K = ये संबंध है, गणितीय संबंध निकाला गया है 2.303/T log R0/RT। यहां R0 वही है क्या, अभिकारक का T0 समय में सांद्रण, ठीक है, मतलब प्रारंभिक सांद्रण। ये क्या है बच्चों, प्रारंभिक सांद्रण। आरटी क्या है, यहां पर आरटी है अभिक्रिया के टी समय पश्चात अभिकारक सांद्रण, ठीक है, और टी तो हो गया अभिक्रिया का समय, अभिक्रिया का समय। तो अगर हमें अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण टी समय पश्चात बचा सांद्रण दे रखा है अभिक्रिया का समय, तो के निकाल सकते हैं, के दे रखा है तो टी निकाल सकते हैं, के और टी दे रखा है तो आर टी निकाल सकते हैं। कई बार प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं में आपको अभिक्रिया के संपूर्ण होने का प्रतिशत दे रखा होता है, तब आपको के निकालना है 2.303/T, टी जितना भी परसेंटेज कंप्लीशन दे रखा है बोले, और यहां 100/100 माइनस परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीशन। ध्यान रखें यहां पर ये जो एक्स परसेंटेज है ये है, ठीक है, उत्पाद का, या हम ये कहें कि जो कंप्लीशन, देखो 100 माइनस एक्स करते हैं, तो यहां पर ये जो पार्ट है ये वाला है ना, ये कहलाएगा एक्स परसेंट, मतलब उत्पाद का प्रतिशत, मतलब जितने परसेंट अभिक्रिया हो गई उतना परसेंट उत्पाद बन गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आर नॉट की जगह तो रख देंगे 100, मतलब 100 मोल, 100 मोल में से कितने मोल उत्पाद में बदल गए, मतलब कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गई, वो एक्स की जगह रख दो तो के निकलाएगा, या और ले लें R0/R0 - X, एक्स है उत्पाद के मूल, R0 प्रारंभिक मूल, इस तरह से। तो इन संबंधों से हम की निकालेंगे। यदि अभिक्रिया का प्रभाज दिया है, यहां 100 ना मान के अगर हम एक मूल मान लें, तो हो जाएगा 2.303/T log 1/1 - X, जहां एक्स क्या है, अभिक्रिया का प्रभाज, कितना प्रभाज पूरा हो गया, 3/4, 1/2, इस तरह से ये होगा, ठीक है। जैसे 50% होने पर x 1/2 रखा जाएगा, तो इस तरह से निकालें। यदि अभिक्रिया में अभिकारक सांद्रता ज्ञात ना हो, प्रारंभिक सांद्रता, अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक, ठीक है, सांद्रता ना ज्ञात हो, मतलब यहां पर हम ये कहें कि अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ना दी गई हो, तब कैसे निकाला, तब ये संबंध लगता है K = 2.303/T2 - T1 log R1/R2। R1 मतलब हो गया T1 समय पर वेग, R2 मतलब T2 समय पर वेग। कई बार आपको वेग ना दे के अभिकारक की सांद्रताएं दे रखी होती हैं, तो RT मतलब T समय पर अभिकारक सांद्रता, RT2 मतलब T2 समय पर अभिकारक सांद्रता,
क्योंकि टी वन समय पहले आएगा तो इस तरह से पहले अभिकारक सांद्रता ज्यादा होगी बाद में कम, ऐसे पहले अभिक्रिया वेग ज्यादा है फिर कम, तो इन संबंधों का भी यूज होता है। ठीक है, प्रथम कोटि की गैसी अभिक्रियाएं दे रखी हैं मतलब अभिकारक, और जैसे यही लिखा है एक गैस से एन बी गैस उत्पाद बन रहा है, तो इनमें अगर हमें वेग स्थिरांक निकालना है तो 2.303 अपॉन टी लॉग एन माइनस वन पी आई अपॉन एन पी आई माइनस पी टोटल। अब यहां देखो एन क्या है, एन एक मूल अभिकारक से प्राप्त उत्पाद के मूल यहां पर, ठीक है, पी आई अभिकारक का प्रारंभिक दाब या अभिक्रिया में प्रारंभिक दाब, पी टोटल अभिक्रिया के टी समय पर कुल दाब, जिस भी समय पर अभिक्रिया दी गई है उस समय कुल टोटल प्रेशर पी टी लिया जाए, तब हमें गैसीय अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक अर्धायुकाल ये निकाल सकते हैं। अगर आपको लिखा है n अर्धायुकाल के पश्चात बची अभिकारक की सांद्रता का निर्धारण करना है तो ये फॉर्मूला लगता है RT इक्वल टू आर नॉट वन बाई टू की पावर n, मतलब आपको अर्धायुकाल बता दिया जाएगा, कुल अभिक्रिया का समय बता दिया जाएगा, और फिर पूछा जाएगा कि बताएं पर अभिकारक की कुल कितनी सांद्रता बची होगी, अगर प्रारंभिक सांद्रता आपको दी गई है या एक मान के कर सकते हैं, तो n है अभिक्रिया का कुल समय, और जो है मतलब n इक्वल टू होता है अभिक्रिया का कुल समय बटा अभिक्रिया का अर्धायुकाल। जब ये n की वैल्यू पूर्णांक हो तो ही ये संबंध बहुत आसानी से यूज हो सकता है। जीवाश्म होते हैं तो रेडियो एक्टिव विघटन पर आधारित है, C14 के विघटन पर, C14 के ठीक है विघटन पर आधारित है, ठीक है, जीवाश्म की आयु काल, तो इसका संबंध होता है जीवाश्म की आयु T इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.693 इनटू T हाफ ऑफ C14 लॉग C14 जीवित अवस्था में, C14 जीवाश्म अवस्था में। तो जीवाश्म जो लेके आया जाता है उसमें C14 निकाल लिया जाता है, और C14 जीवित को वही मान लिया जाता है जो आज जीवित प्राणियों में C14 का प्रतिशत है, वह करोड़ों साल पहले था क्योंकि CO2 वातावरण में स्थिर है अनंत काल से। ओके, फिर आता है कि यहाँ यही लिखा हुआ है कि C14 का अर्धायुकाल है, C14 जीवित मतलब जीवित अवस्था में C14 का सांद्रण, C14 जीवाश्म मतलब जीवाश्म अवस्था में सांद्रण, तो इससे हम जीवाश्म की आयु निकाल सकते हैं क्योंकि जीवाश्म की आयु रेडियो एक्टिव विघटन पर आधारित है और रेडियो एक्टिव विघटन एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। अब आता है प्रथम कोटि का अर्ध आयुकाल, तो वही आता है बच्चों की अर्ध आयुकाल मतलब संपूर्ण अभिक्रिया का समय, अगर जो टी है उसे हम हाफ लाइफ के बराबर मान लें तो बची हुई सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता के आधे की क्या होगी बराबर, तो इस तरह से के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ, जहां टी था वहां टी हाफ रख दिया मैंने, लॉग आर की आर नॉट और आर टी की जगह रख दिया मैंने आर नॉट बाई टू, तो ये आ गया ठीक है 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग टू, लॉग टू की वैल्यू 0.3010 होती है और जब 2.303 से मल्टीप्लाई करें लॉग टू की वैल्यू तो यह आएगा 0.693 अपॉन टी हाफ, तो टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। अगर हम 2.303 ना लें तो लॉग ऐसा भी लिखा होता है अर्धायुकाल कि के इक्वल टू टी हाफ ln 2, यहां पर टी हाफ और आर लें तो आप सीधा दिख रहा है कि अभिक्रिया का प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, आप सीधा देख रहे हैं कि स्वतंत्र है, इसका मतलब है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की कितनी भी अमाउंट हो चाहे 1 ग्राम हो चाहे 1 किलोग्राम के 1000 ग्राम आधा होने में समय बिल्कुल बराबर लगेगा। ओके, तो ये है इसका ग्राफ। अब आप आ जाते हैं ग्राफी निरूपण में, मतलब प्रथम कोटि के व्यंजक का ग्राफी निरूपण, तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log r नॉट अपॉन rt, और आगे बढ़े तो kt अपॉन 2.303 इक्वल टू log r नॉट माइनस log rt, तो log rt यहां ले लें तो ये हो जाएगा माइनस k अपॉन 2.303 इनटू t log, ठीक है, प्लस log r, तो देखो ये इक्वेशन बन गया y इक्वल टू mx प्लस c, यहां पर भी ढाल देख रहे हैं ऋणात्मक है, तो m tan थीटा माइनस k अपॉन 2.303 के बराबर दिख रहा है मतलब ऋणात्मक ढाल, तो ग्राफ ये आएगा बिल्कुल जीरो ऑर्डर जैसा, बस वहां पर rt और t का था, यहां log rt और t का है, तो log rt और t के बीच में ग्राफ लें
तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आ रही है और जिसका स्लोप है टेन थीटा माइनस के अपॉन 2.303, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू निगेटिव है तो के पॉजिटिव आएगा, तो इस तरह से। और जो इसका अंतःखंड है उससे हम आर नॉट निकाल सकते हैं एंटी लॉग लेके, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस में आ जाते हैं। जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने का समय क्या होगा? टी हाफ आपको दे रखा है 20 मिनट। तो हम यहां क्या करेंगे, आर नॉट की जगह 100 रख दें और आर टी हो गया 100 माइनस परसेंटेज कंप्लीशन, मतलब रिएक्शन का परसेंटेज कंप्लीशन, मतलब उत्पाद की सांद्रता, और के की जगह रखेंगे 0.693 अपॉन टी हाफ। बस ये संबंध ले लेंगे हम, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log 100 अपॉन 100 माइनस परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कंप्लीशन ले ले हम यहाँ पर, ठीक है। तो आगे बढ़े हम, तो k की जगह मैंने रख दिया 0.693 अपॉन t हाफ, यहाँ हो गया 2.303 अपॉन t log 100 अपॉन 100 माइनस 99.9। और आगे ले ले हम यहाँ पर T को उठा के यहां रख दें, 0.693 को यहां लिख दें और ये हो जाएगा log 10 की पावर 3। और आगे बढ़े तो log 10 1 हो गया, 3 आगे आ गया, तो इस तरह से T इक्वल टू T हाफ, T अपॉन T हाफ इक्वल टू 10, तो T 99.9 इक्वल टू T हाफ इनटू 10 मींस। और वैसे भी हम जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायुकाल के 10 टाइम्स के बराबर होता है, ओके। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 40% पूर्ण होने का समय 50 मिनट है, तो 80% पूर्ण होने का समय क्या होगा? तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों कि 40% पूर्ण होने में और समय को लेके के निकाल लें। ये आ गया के, इस तरह से के इक्वल टू 2.303 अपॉन 50 लॉग 10 अपॉन कितना हो गया 6। फिर 80% निकालना है, तो हम यहां पर फिर के हमें पता है ये है, फिर दोबारा 80 के लिए लगाएंगे तो हम 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 80, तो यहाँ के की वैल्यू इसको सॉल्व कर ले और यहाँ पुट अप करेंगे तो ये आ जाएगा 80% का 157.88 मिनट। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर नेक्स्ट है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 3/4 पूर्ण होने में लगा समय क्या होगा? 3/4 मतलब है, यहाँ पर बता दू 75% पूर्ण होने का समय क्या होगा? के आपको दे दिया गया है तो आप यहां पर रख दें k इक्वल टू 2.303 अपॉन 2, यहां पर मैंने k की वैल्यू रख दी, तो समय निकालना है, सॉरी यहां पर हम क्या कर देंगे कि k ले लेंगे, तो यहां t इक्वल टू हो गया हमारे पास, मतलब मैंने यहां t इक्वल टू लिखा है 2.303 अपॉन k log 1 अपॉन 1 माइनस फ्रैक्शन ऑफ x, तो x की वैल्यू 3/4 रख दी, तो इस तरह से आ गया 693। ठीक इसी तरह से ये गैसीय अभिक्रिया 2N2O5 gives 2NO2 plus O2, टी जीरो है, टी 100 मिनट, टी जीरो पर गैस प्रेशर है 0.5 और टी 100 मिनट पर 0.512, ठीक है। तो पूछा गया है कि वेग स्थिरांक क्या होगा और N की वैल्यू देखो यहां से हम ले लेंगे 2 मोल से 3 मोल, तो 1 मोल से आधा मोल और 1.5 मोल, तो इस तरह से एन माइनस ये रख दिया समीकरण गैसीय अभिक्रियाओं का 2.303 अपॉन 100 log N माइनस 1 pi अपॉन y pi, यहाँ एन पी आई है, सॉरी वाई लिख दिया मैंने, यहाँ पर एन पी आई, ठीक है, माइनस पी टोटल। देखो यहाँ पर जो गैसीय अभिक्रियाओं का एक व्यंजक लिखा था मैंने, ये वो है, ठीक है, यहाँ पर ये पी, ये वाला समीकरण लेना है, तो यहाँ पर हमने ये रख दिया, ठीक है। तो 2.303 अपॉन 100 लॉग, यहाँ हो जाएगा 1.5 माइनस 1 इंटू 0.5, क्योंकि 0.5 दे रखा है, फिर यहाँ पर एन आई कितना हो जाएगा 1.5, मतलब एन और इंटू 0.5 माइनस 0.512, इसे सॉल्व करेंगे तो 4.9 इंटू 10 की पावर 4 या। ठीक इसी तरह से ये अभिक्रिया लिखी है CH2O डाइमिथाइल ईथर जो है गिव्स CH4 गैस O2 गैस एंड CO गैस, तो एन की वैल्यू हो गई 3, के दे रखा है, पी आई दे रखा है 8 मिनट के पश्चात, पी टोटल कितना होगा, बस हम के रख दें, टी रख दें, एन की वैल्यू हमें पता है, पी आई पता है, केवल पी टोटल, तो पी टोटल आ रहा है 0.44928। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ का अर्धायुकाल 6 वर्ष है, तो 24 वर्ष पश्चात पदार्थ की बची शेष मात्रा का प्रतिशत क्या होगा? तो हम फॉर्मूला लगाएंगे आर टी इक्वल टू आर नॉट 1/2 का पावर एन, आर टी हमें निकालना है, आर नॉट
वन बाई टू। अब यहां पर एन निकालने तो देखो कुल समय दे रखा है 24 वर्ष, अर्धायुकाल है 6 वर्ष, तो ये आ गया कुल समय बटा अर्धायुकाल, तो एन का वैल्यू आ गया 4, यहाँ 4 रख दिया। तो आर टी आर नॉट का 16 टाइम्स कम है अमाउंट, मतलब आर टी इक्वल टू आर नॉट अपॉन 16, तो शेष बची मात्रा का प्रतिशत निकालें, तो आर टी अपॉन आर नॉट इंटू 100, आर नॉट में से आर टी बचा तो कितना परसेंट बचा, तो बस मैंने आर टी की जगह यही रख दी, आर नॉट इंटू 16 अपॉन आर नॉट इंटू 100, तो ये आ गया 6.25% टोटल बचेगा। ठीक इसी तरह से एक होती है प्रथम कोटि की समानांतर अभिक्रिया या प्रतिस्पर्धात्मक अभिक्रिया, पैरेलल रिएक्शन या कॉम्पिटेटिव रिएक्शन, ये मतलब है जब एक ही अभिकारक से दो उत्पाद बन रहे हो और वो प्रथम कोटि को फॉलो कर रहा है, जैसे ये रिएक्टेंट ही है, तो इस तरह से K1 में B है और K2 C है। जैसे फिनॉल का हम नाइट्रेशन करा दें, HNO3 से रिएक्शन करा दें, तो एक ऑर्थो नाइट्रो और एक क्या बन जाता है पैरा नाइट्रो, तो दोनों की परसेंटेज पूछी जाए, तो ये फॉर्मूला है, बी की परसेंट निकालना है तो के अपॉन के वन प्लस के टू इंटू 100, सी निकालना है तो के टू अपॉन के वन प्लस के टू इंटू 100, इस तरह से दोनों का प्रतिशत निकाल सकते हैं अगर हमें के वन के टू दे रखे हैं। अगर हमें ग्राफ लें सांद्रता और समय के साथ, तो देखो ए है अभिकारक की सांद्रता जो समय के साथ घट रही है, बी और सी है उत्पाद की सांद्रता जो समय के साथ बढ़ रही है, क्योंकि बी ज्यादा अगर मान लो यहां पर K1 ज्यादा है और K2 कम है, तो बी की सांद्रता उतने ही समय में सी से ज्यादा होगी, अगर सी की सांद्रता ज्यादा है मतलब K2 ग्रेटर देन K1 है, तो इस तरह का ग्राफ आ जाएगा, C2 ज्यादा होगा C1 CB मतलब बी कम होगा। बेर स्थिरांक समीकरण अगर इस प्रकार की अभिक्रियाओं में करना है, आर नॉट आर टी या कुछ भी निकालना है, तो ये संबंध है K1 प्लस K2 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर टी। जैसे यहाँ K1 K2 दे रखे हैं, ये B और C के, पूछा गया A का परसेंटेज कितना है और B मतलब A की दे रखा है, और यहाँ पर हम पहले B का परसेंटेज लेंगे, यहाँ पर तो B का परसेंटेज निकाल दिया, ये हो गया मतलब K1 अपॉन K1 प्लस K2 तो 76.83, तो बाकी जो बचा वो C का सांद्रता होगी 23.17%। तो देखो बच्चों ये है कुल मिला के प्रथम कोटि से रिलेटेड सारे व्यंजक, और उनके इसी तरह न्यूमेरिकल्स तो बहुत मिलेंगे, तो कुछ जो इम्पोर्टेंट है हर एक रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ कर दिए, इन संबंधों को अच्छी तरह से याद कर लो, सारा क्वेश्चन नीट लेवल पर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं जाती। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्लियर है। अब हम इसके बाद जो लेंगे टॉपिक वो होगा कोटि निर्धारण की विधियाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।